से थोड़ी हिट जोड़ी है। कितने सीजन जीते आप लोग? चार पांच सीजन तो जीते होंगे। चार पांच सीजन जीते। मतलब हम जब इनके साथ कॉमेडी करते थे कॉमेडी सर्कस में, तो जब फिनाले होता था तो हम लोग सेकंड थर्ड ही अपने आप को गिनते थे कि हमको पता था भाई कृष्णा सुधी और ना ये लोग बंद कमरा करके रिहर्सल और हंसने की आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा कि बस। हम लोगों के बीच में इतना कंपटीशन होता था, भारती एक द ओनली पर्सन इन द इंडस्ट्री, टेलीविजन या फिल्म इंडस्ट्री हो, मेरी एक करियर में अगर मैं आरती के बारे में सब जानते हैं, आरती के बाद अगर मैं किसी को बहन मानता हूँ तो ओनली भारती। भारती इज माई सिस्टर, भारती इज माई फैमिली, हर्ष इज माई फैमिली, सुधीर जी तो डेफिनेटली है ही, बोलने की बात ही नहीं है। बट मैं भारती के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ कि भारती को मैं अपनी बहन बोलता हूँ, और मैंने किसी को बहन नहीं बनाया पूरी इंडस्ट्री में, चाहे कोई भी हो। तो भारती से भी मैं, हमारी बड़ी जलन होती थी मेरी, हाँ उस टाइम पे थोड़ी थोड़ी होती थी। फिर बताओ। तो क्या होता था कि हर्ष जो है तब नया आया था, तो इसने भले पहली स्क्रिप्ट हमारे लिए लिखी थी, उसके बाद ये ट्रांसफर हो गया था यहाँ पे भारती के लिए। फिर जब भी हर्ष, हम जाते थे कि हर्ष किसके लिए लिख रहा है, अभी ना हर्ष भारती के लिए लिख रहा है, अच्छा अगली स्क्रिप्ट हर्ष भारती के लिए लिख रहा है, तो हर्ष परमानेंट हो गया था भारती। ऐसे ही तो इनका अफेयर चालू हुआ था, इसने पंच लिखते लिखते जो किस्मत लिख दी, किस्मत लिख दी। नहीं नहीं, तो मैं दोनों के बारे में एक ही चीज दूंगा, टू टैलेंट मीट, हर्ष वॉज अ वेरी टैलेंटेड राइटर एंड वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस, तो ये दोनों साथ में हो गए। नहीं नहीं, मैं सच कहूं, मैंने जब कॉमेडी सर्कस ज्वाइन किया था ना, मुझे कुछ भी लिखना नहीं आता था, वो बस ये होता, क्या होता ना, आप बहुत बहुत टैलेंटेड लोगों के बीच में बैठते हो ना, तो जो नहीं होता ना वो भी सीख जाता है। भारती